जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों अगर आप BSF, CISF, CRPF, ITBP, आसाम राइफल में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों UPSC की तरफ से जो इन पदों पर जो भर्ती आई है। दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, कोर ये फॉर्म जो है कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और किस में जो है कितनी सीट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आपको जॉब के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग इसको सारी डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं ये भर्ती की। दोस्तों ये जो भर्ती आई हुई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो ये भर्ती निकली हुई, जिस भर्ती का नाम है कंबाइंड सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की ये भर्ती है। इसकी दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है वो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रखी गई है और SC ST कैंडिडेट के लिए 0 रुपये रखी गई है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 रुपये रखी गई है। इसकी फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है 18 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है 7 सितंबर 2020 रखी गई है और पेमेंट पे करने की लास्ट डेट जो है 7 सितंबर 2020 रखी गई है। एग्ज़ाम डेट जो है 20 दिसंबर 2020 रखी गई है। एडमिट कार्ड जो है आपका दिसंबर में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। दोस्तों इसमें जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर होनी चाहिए और इसमें जो है SC ST OBC कैंडिडेट के जो है एज रिलैक्सेशन की छूट दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फ्रेंड्स इसमें जो है जितने भी बंदे जो है ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हैं वही इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो जो है ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से क्वालिफाइड हैं तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। दोस्तों ये वैकेंसी जो निकली हुई है इसमें जो टोटल 209 पोस्टों के लिए भर्ती निकली हुई है। BSF में 78 सीटें रखी गई हैं, CRPF में जो है 13 सीटें रखी गई हैं, CISF में 69 सीटें रखी गई हैं, ITBP में 27 सीटें रखी गई हैं, SSB में 22 सीटें रखी गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स की। दोस्तों मेल कैटेगरी के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट जो है 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेस जो है दोस्तों फर्स्ट रेस जो है इसमें 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी और सेकंड रेस जो है वो 800 मीटर की होगी जो कि आपको 3 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। इसमें जो है दोस्तों लॉन्ग जंप जो है आपको 3.5 मीटर कूदना पड़ेगा और शॉर्ट पुट जो है आपको 4.5 मीटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। हाइट जो होनी चाहिए फीमेल कैटेगरी की वो 1.57 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद रेस जो है फीमेल कैटेगरी का 100 मीटर जो रेस है वो 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है और 800 मीटर की जो रेस है वो 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो है 3 फीट लगाना है और शॉर्ट पुट इसमें नहीं है। दोस्तों ये जो इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन थी इसको दोस्तों अप्लाई जो करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर UPSC की जाकर इसको अप्लाई कर लेना, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है ये जो है मैं इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। कि दोस्तों जय हिंद।